personally have a passion in music. Yeah, luckily my parents are very supportive in that because my father is in it. But then afterwards, there is this one more friend of mine. She is into athletics, right? Okay. But her parents are always like, you know, it's just so much time waste. Practice में time waste है. ये this competitions are going, सिर्फ trophies ही मिल रहा है. तेरे को क्या मिल रहा है? First of all, the parents don't come to the competition. They don't see the child playing, and yet they judge. So, in parents करते क्या? Parent, the father is just a worker, office worker, and the mother's a housewife. Yeah. So that's it. So what's your question about? Like it, my question is that even like if the parents are not like you know supportive to their children, at least they should like give the freedom of doing, even if like the child wants to do something and if the parents like are not even caring about it, they should give the freedom. They should not keep them in the house and be like kidhar jao mat ghar pe kaam karo and all. Yeah, great. देखो ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आजकल सोचते हैं मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही, जनरेशन गैप है. तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि इंटेंशन बहुत मैटर करता है. आपके माँ बाप के शब्द गलत हो सकते हैं पर इंटेंशन गलत नहीं है. वो आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं कभी. तो फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपके माँ बाप आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो आपको बुरा चाहते हैं. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सट्रीम ऑल इन ऑल सब लगा रहे हो अपने उस करियर में, पैशन में. हम लोग क्या है, जो मैंने पढ़ा जेंजीज के बारे में, वो बैलेंस क्रिएट करना नहीं सीख रहे. अगर जो लोग काम कर रहे हैं आजकल, वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग का कल्चर चल गया है, तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं पर वो एक्सट्रीम घुस गए हैं उसके अंदर. अगर कोई रैपिंग कर रहा है तो वो एक्सट्रीम घुसा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वो वही कर रहा है. उसके अलावा वो कुछ और सीखना ही नहीं चाहता या वो करना ही नहीं चाहता. पर हमें ये सीखना है कि हमारे माँ बाप, अगर आप बैलेंस क्रिएट करोगे, दे जस्ट वॉन्ट यू टू सेटल डाउन. कि ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने दे डोंट अवेयर ऑफ रियलिटी. अभी उन्हें पता नहीं है कि कितनी तेज़ी से जनरेशन चेंज हो रही है. ठीक है, तो शायद हो सकता है कि वो आपका अच्छा सोच रहे हों, शायद हो सकता है कि वो चाह रहे हों कि आप कुछ अच्छा करें, पर वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं. समझ रहे हो? हो सकता है आपकी जो फ्रेंड है वो एक्सट्रीमली उसके अंदर घुस गई है. ठीक है, घुसना भी चाहिए. अगर आप देखो, मेरा मानना एक ये इस चीज़ में एक और है कि जब हम, अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो और आप करना चाहते हो, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर करो. ठीक है, जब हम कितने गलत काम करते हैं, कितने लोग हैं जो पॉर्न देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो किसी के घर में परमिशन नहीं है पर वो स्टिल दे आर इन अ रिलेशनशिप्स एंड डूइंग अदर स्टफ, पार्टीज एंड ऑल एंड दीज थिंग्स, तो वो भी तो बुरी हैं. पर उसकी परमिशन के तो इंतज़ार नहीं कर रहे ना. तो अच्छी चीज़ों का परमिशन का भी इंतज़ार नहीं करना है. करते रहो पर ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस. जब हम वो बैलेंस, एक हम जब किसी बच्चे को या किसी को बड़ा करेगा कोई भी इंसान, वो चाहेगा कि वो स्टेबल रहे. उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्कुल अलग है. तो पहली चीज़ ये है कि माँ बाप के अप्रूवल के लिए मत बैठो. कि अगर आप माँ बाप के अप्रूवल के लिए बैठे हो ना कि वो अप्रूव करेंगे, तो फिर दिक्कत है. दूसरी बात, आप जब तक स्टैट नहीं रखोगे टेबल पे कि यार, जैसे जैने भी बोला कि मम्मी पापा को भरोसा ही नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो हम कर लेंगे. ठीक है, आपने टेबल पे रख के क्या दिया? आपने टेबल पे कुछ रखा? आप अभी ये थॉट्स आपके दिमाग में हैं, आप एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हो, तब लोग बोलेंगे. जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब किसी ने मुझे अप्रूव नहीं किया कि ये करना है, कितना करना है. जब आप उसमें से इनकम निकाल के लाते हो या फिर आपको लोग प्रेज करने लगते हैं, आपकी सुनने लगते हैं, देन धीरे धीरे करके चीज़ें होते हैं. तो आपको टेबल पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये करना चाहती हूँ. और वो क्लियर कैसे हुआ? आपने बोला कि मैं म्यूज़िक करना चाहती हूँ, कैसे क्लियर हुआ? क्या आपने 10 चीज़ें ट्राई की एंड देन यू आर सेइंग कि मैं म्यूज़िक करना चाहती हूँ? या सिर्फ आपने म्यूज़िक, आपके सामने आया और आपने म्यूज़िक ही किया? ये चीज़ समझनी बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं आई वर्कड एज अ
एज अ राइटर, ठीक है, मैंने एज अ राइटर भी काम किया है, पोइट्रीज लिखी हैं, बहुत शो लिखे हैं, स्टेज पे भी मैंने पोइट्रीज की हैं, फिर उसके बाद मैंने एज अ कैमरामैन भी काम किया, फिर एज अ वीडियो एडिटर भी काम किया, फिर एज अ स्पीकर भी काम किया, और मैं डिफरेंट अभी भी मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डाइवर्ट हो गया चीज़ों की तरफ या डिस्ट्रैक्ट हो गया, आई एम सेइंग इट, मेरे पास क्रिएटिव थॉट है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, शायद मैं एक वीडियो अपने हाथ से बनाऊं और जो भी मेरे दिमाग में थॉट है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, शायद आप जो म्यूज़िक कर रहे हो, शायद जैसे आप बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं बहुत लोग, तो वो अपने थॉट्स को, अपने क्रिएटिविटी को, सिर्फ ये सब मीडियम है, हम लोग सोचते हैं ये यही मेन चीज़ है, नहीं, ये सब मीडियम है आपकी क्रिएटिव माइंड की थॉट्स को बाहर निकालने के लिए। वो मैं लिख के निकालूं, बीट बॉक्सिंग से निकालूं, म्यूज़िक से निकालूं, टेबल पे कुछ बजाऊं उससे निकालूं, डजंट मैटर। काम में क्या है, आपको बस ओपन माइंड सेट रखना है कि हाँ ठीक है मैं म्यूज़िक कर रही हूँ, पर अगर कुछ ऐसा मिलेगा कि अब शूटिंग का नहीं है तो मैं, मुझे कैमरा भी सीखना है, लेट्स लर्न इट, ठीक है। आज के टाइम पे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी करने को नहीं है, अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करें, मैं किसी भी रोड पे जाऊँगा, किसी को भी मैं बोलूँगा मैं आपके फ़ोन से आपको एक रील बना के देता हूँ बीट्स पे, ठीक है, आप मुझे 500 रुपीज़ दो या 1000 रुपीज़ दो, कोई भी दे देगा, ठीक है, आप दिन में आराम से 5000 रुपये कमा लोगे, एक हाइपोथेटिकल चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। करते भी हैं लोग जो जो पहाड़ों पे हैं, देखे होंगे आपने कैमरा लेके, अब वो चेंज हो रहा है, अब हम जैसे लोग घूमेंगे आईफोन लेके, सर आपकी एक वीडियो बनाता हूँ मेल कर दूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप डिफरेंट सुपर पावर बनना है ना, वो डिफरेंट स्किल सेट को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। हिटिंग में कितने एक्टर्स हैं जो पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, क्यों, कैमरा के पीछे, कैमरा अगर वहां लगा है तो वो मुझे किस तरीके से शूट कर रहा है ये तो तभी पता चलेगा ना, गेटिंग मी। तो अब मैं मेकअप आर्टिस्ट को जानता हूँ, अब मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए शूट किया था जब मैं एज अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर काम करता था, अब मुझे ये पता है कि हेयर स्प्रे क्या होता है, आज मैं अपने बालों पर लगा के आया हूँ, ठीक है, मुझे पता है एयर ब्रश क्या होता है। लड़के बोलते हैं अरे क्या जानना है ये लड़कियों की चीज़ें हैं ये, नहीं, आपको एयर ब्रश पता है, आप किसी को बोल सकते हो अरे यार तेरा अच्छा इवेंट है एयरब्रश, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सब आप सुपर पावर तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप अपनी छोटी छोटी स्किल्स को जोड़ दोगे, और वो जोड़ोगे कब, जब ओपन माइंडसेट होगा। अगर ओपन माइंडसेट नहीं है, यू आर रिजिड टू थिंग्स कि मम्मी पापा बोल रहे हैं इधर ही रहना है और कुछ नहीं करना है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, और स्टार्टिंग में आप उनके अप्रूवल के लिए नहीं जा सकते, आपको टेबल पे जब तक कुछ रखने को नहीं है, चोरी चोरी करो, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मैंने वेडिंग्स शूट करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे आज से 7-8 साल पहले बहुत, मतलब मैं अपनी मम्मी को बोलूँ मैं शादी में जाके कैमरा लेके शूट कर रहा हूँ, मैं लोग खाना खा रहे हैं मैं उनकी फ़ोटो खींचता हूँ, तो मम्मी क्या बोलेगी, इतना पढ़ाया लिखा है तुझे इसलिए तू शादियों में जाके फ़ोटो खींचेगा लोगों की, यही बोलेंगे। बट जब बहुत कम लोगों को ये पता है कि वेडिंग इज़ द बिगेस्ट मनी मेकर इन इंडिया, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको पैसा कमाना है तो वेडिंग ही देगी, चाहे आप कॉमेडियन हो तब भी वेडिंग में जाओगे, आप डांसर हो फिर भी वेडिंग में परफॉर्म करोगे, आप एक्टर हो, बॉलीवुड एक्टर हो, अभी तो जस्टिन बीबर भी करके गया, तो वेडिंग्स में सबसे ज़्यादा पैसा है। पर जब जैसे ही 3-6 महीने में पैसा आना स्टार्ट हो गया, नया लैपटॉप आने लग गया घर में, नए शूज़ आने लग गए, घर वालों को देने लग गए, तो उन्हें समझ में आने लग गया कि हाँ दिस इज़ अ करियर, और ये कोई वो वाली वेडिंग नहीं कर रहा, ही इज़ इनटू समथिंग बिग, ठीक है, हम बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे थे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब तक नहीं था तब तक मैं क्या करता था, रात को मम्मी लैपटॉप में ऑफिस का ये कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और एडिटिंग कर रहा हूँ वेडिंग की, कोई देख ना ले कि वो वेडिंग की एडिटिंग चल रही है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको टेबल पे जब तक आपके लिए रखने के लिए कुछ नहीं है, ये मत सोचो कि यार मम्मी पापा वो बुरे नहीं है, उनका इंटेंशन सही है आपके लिए, बस वो उनके वर्ड्स गलत हो सकते हैं, उनका एक्शन भी गलत हो सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, और वो अपने बच्चे को, अब मम्मी को लग रहा है कि इस दरवाजे के पीछे तो खाई है, और आप अवेयर हो कि आपको पता है इस दरवाजे के पीछे तो गार्डन है, मस्त मजा आने वाला है, पर एज अ
पेरेंट्स आपको देखना पड़ेगा कि आप जाने दोगे अपने बच्चे को, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि खाइए, नहीं जाने दोगे, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है, अगर वहाँ पे आप खेल जाते हो तो थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर, ठीक है?